गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज अकेडमी ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो बच्चों, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, उसी का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ लिया था, मैं आपको 2 मिनट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बच्चों इसके बारे में पढ़ा था कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है बच्चों, उस इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी में 2 तरह का इम्यून सिस्टम होता है बच्चों। 2 टाइप्स का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। एक होता है जो इननेट इम्यून सिस्टम होता है, जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो सभी एंटीजन यानी कि सभी फॉरेन बॉडीज, सभी वायरस बैक्टीरिया पर एक ही तरीके से फंक्शन करता है, और पहले वही फंक्शन करता है। जब उससे उन एंटीजन या फॉरेन बॉडीज का सामना करने में अगर वो सक्षम नहीं है, यानी कि वो नहीं कर पा रहा है, उनको रोक नहीं पा रहा है, देन वो स्पेसिफिक या एडेप्टिव जो इम्यून सिस्टम है उसको एक मैसेज कर देता है, मतलब कि ये हमसे नहीं हो रहा, ये आपको करना है। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख ली थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके सामने दिख रहा होगा आपको, मैंने 2 टॉपिक ले रखे, एक तो एंटीजन टॉपिक ले रखा बच्चों, एक ले रखा मैंने एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो बेसिक है बच्चों, जो हमारे सिलेबस में है, उसे आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो जो भी वीडियो देख रहा है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे बच्चों। ओके बच्चों, सभी को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीजन क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी क्या है, हम दोनों में डिफ्रेंशिएशन करते हुए पढ़ेंगे। तो बच्चों, एंटीजन क्या होता है, तो पहले तो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशंस मिल जाएगी। क्या है? आउटर पैथोजन और सब्सटेंसेस विच इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स व्हेन एंटर इनटू बॉडी। मतलब ये क्या है बच्चों, एंटीजन क्या है? ये आउटर पैथोजन है, मतलब हमारी बॉडी से बाहर का कोई पैथोजन है, उस पैथोजन में क्या क्या हो सकता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों, वायरस बैक्टीरिया फंगाई, हाँ, तो प्रोटोजोआ, इस तरीके के बहुत सारे फॉरेन बॉडीज होते हैं जो हमारी बॉडी में बाय एनी मीडियम, एयर वाटर फूड, किसी भी मीडियम से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, और क्या करते हैं, एंटर करके इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी में जैसे ही ये एंटर करते हैं तो हमारी जो बॉडी है बच्चों, वो क्या करती है, उस एंटीजन को या उस फॉरेन बॉडीज को आइडेंटिफाई करने का काम करती है। आइडेंटिफाई क्यों करती है, आइडेंटिफाई इसलिए करती है, क्या ये इस ऐसा कोई सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर कोई नया सब्सटेंस है, कोई नया वायरस है, ऐसा कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है बच्चों जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, इट मीन्स वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, इसीलिए हमारी बॉडी में हम लोग उसे इंटेक करा रहे हैं। बट जो हमारी बॉडी में नहीं है और वो अंदर की तरफ आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तब उसके ऊपर डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से इवोक एन इम्यून रेस्पॉन्स, तो क्या होता है, हमारी जो प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं इम्यून सिस्टम वाली, वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जैसे कोई एंटीजन या पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है। फिर आता है बच्चों, व्हेन दे एंटर इन बॉडी इट एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट। जैसे ही कोई एंटीजन या कोई फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है बच्चों, ये क्या कर लेता है, एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था बच्चों कि बी लिम्फोसाइट क्या होता है, टी लिम्फोसाइट क्या होता है, और WBC के अंदर हमने इनको पढ़ा भी था। ठीक है बच्चों, इसी चैप्टर में वापस आएगा, इसलिए हम इसको एक बार वापस से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो व्हेन दे एंटर इन बॉडी इट एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट एंड कन्वर्ट देम इन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। देखो, हम लोगों ने जो पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि इस आइडेंटिफिकेशन का काम करता है टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को उस एंटीजन का जो साइज शेप और जो नेचर है वो बताता है, उसके अकॉर्डिंग बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इनकी वजह से, एंटीजन की वजह से बी लिम्फोसाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल में, और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल, क्योंकि ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में पाई जाती है। WBC जो है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में पाई जाती है एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा वाले पार्ट में, और एंटीजन कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, RBC के ऊपर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, RBC की जो सरफेस होती है उस पर एंटीजन पाया जाता है, और ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है बच्चों, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया एंटीजन की बात। ठीक है,
एंटीजन क्या होता है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, वापस बता देता हूँ मैं एक बार आपको। एंटीजन क्या है, एक आउटर पैथोजन है, बाहर से आने वाला कोई पैथोजन है, फॉरेन बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए हो सकता है क्या हो, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एक इम्यून रेस्पॉन्स, तुरंत क्या होगा, एक इम्यून रेस्पॉन्स होगा और उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और उसके लिए क्या होगा, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल में चेंज कर दिया जाएगा और एक एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनेगी और वो हमें क्या करेगी, उससे डिफेंस करवाएगी। फिर बात करते हैं एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन के बाद एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। एंटीबॉडी देखिए बच्चों ध्यान से देखना, दीज आर मेड ऑफ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। एंटीबॉडी किससे बनी होती है बच्चों, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी प्रोटीन से, ये नाम आपको याद रखना है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी बाय प्लाज्मा सेल। और ये हमारी बॉडी में बनती है, किससे बनती है, प्लाज्मा सेल। अभी हमने देखा प्लाज्मा सेल क्या है बच्चों, ये रहा प्लाज्मा सेल क्या है बच्चों, ये, और ये क्या है प्लाज्मा सेल, किससे बना, बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हुआ है प्लाज्मा सेल के अंदर, ओके बच्चों। और वही बी लिम्फोसाइट क्या बना रहा है, प्लाज्मा सेल बनने के बाद में एंटीबॉडी बना रहा है, और एंटीबॉडी क्या है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन नेचर का होता है। अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये किसके अगेंस्ट बनता है बच्चों, इस एंटीजन के अगेंस्ट बनता है, अगेंस्ट एंटीजन, एंड प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। और जैसे ये एंटीबॉडी बनता है ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है बच्चों, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उस स्पेसिफिक एंटीजन की जो रोग करने का या हार्मफुल जो नेचर है उसके अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। फिर बात करते हैं बच्चों, हेंस दे आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। मैंने पहले ही बताया ये किससे मिलकर बने बच्चों, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से, मतलब ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन है जिससे ये मिलकर बना है। और प्रोवाइड क्या करवा रहा है बच्चों, अपने को क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है प्लस ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब इम्यूनिटी देने वाला ग्लोबुलिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है बच्चों, आईजी से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे बच्चों एंटीबॉडी के टाइप्स, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडी के अंदर पांच तरह के प्रकार जो है सामान्य रूप से हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, एक क्या होता है आईजी, तो बच्चों एक एंटीबॉडी के लिए एक वर्ड यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईजी इसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा। इसके बाद में एंटीबॉडी के टाइप क्या होते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, गैम डी, ओके। तो मतलब क्या हो जाएगा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, मतलब पांच तरह की, एक दो तीन चार पांच, फाइव टाइप्स की क्या होगी बच्चों, एंटीबॉडीज होगी। आईजी का मतलब क्या है, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। और किस तरह की है, ये जी तरह की है, ये ए, ये एम, ये ई और ये डी, अलग अलग पांच तरह की एंटीबॉडी है। पांचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और ये क्या करती है हमारी बॉडी में, ठीक है बच्चों। इनके बारे में हम एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अब मैं बता रहा हूँ आपको एंटीबॉडी करती क्या है। एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एंटीजन और अट्रैक्ट फेगोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। देखो इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखना, एंटीबॉडी क्यों बनी, किसके अगेंस्ट बनी, तो एंटीजन के अगेंस्ट बनी। एंटीजन क्या था, कोई पैथोजन, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी। तो इसके अगेंस्ट में बनी, इसका मतलब इसका काम ही क्या है, इसको डिस्ट्रॉय करना। क्या करना बच्चों, इसको डिस्ट्रॉय करना, किसको, एंटीजन को। तो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एंटीजन, पहला काम क्या होगा एंटीबॉडी का, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना। तो एंटीबॉडी पूरा काम करेगी उस तरीके से, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगी, और नॉर्मली क्या करती है, कर भी देती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडी बनी है वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है बच्चों, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। जब वो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है बच्चों, तब क्या होगा, तब उसके पास एक दूसरा ऑप्शन रहता है, अरे मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, फेगोसाइट सेल और नेचुरल किलर सेल्स, हम लोग जब पढ़ रहे थे बच्चों तो हम लोगों ने अलग अलग तरह के बैरियर्स पढ़े थे, उसमें मैंने आपको केमिकल बैरियर्स के बारे में भी बताया था बच्चों, बायोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। तो वो जो सेल्स थी, जो स्पेशल सेल्स है, फेगोसाइट सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, इन सेल्स को ये एंटीबॉडी क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है कि मैंने इस एंटीजन को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और मारने की कोशिश भी कर ली, पर ये मेरे से डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है और ये अभी इस जगह है। उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, इन्फ्लेमेशन और फीवर। फीवर होता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे क्या होता है कि वो एंटीजन जो है वो अब ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो उस टेम्परेचर पर वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं कर पाने की वजह से हमारी बॉडी को क्या हो जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम मिल जाएगा प्रॉपर,
उसके ऊपर वर्क करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और साथ के साथ स्वेलिंग भी हो जाती है। स्वेलिंग होने से क्या होगा बच्चों, उस एंटीजन वाली जगह पर, उस वायरस वाली जगह पर सूजन आ जाती है। सूजन आने का मतलब क्या है, वहां के आसपास की सेल जो है बच्चों उस एंटीजन को घेर लेती है। घेर लेने की वजह से एक स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, और वो वहां से एंटीजन बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर ये जो एंटीबॉडी है जो क्या करती है, उस जगह की तरफ इन फेगोसाइट और नेचुरल किलर सेल को अट्रैक्ट करती है कि आप आओ यहाँ पर और जल्दी से इस एंटीजन को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। फेगोसाइट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है बच्चों, ये मतलब कंज्यूम करने का नेचर रखती है, मतलब जो एंटीजन होगा उसको अपने अंदर कंज्यूम कर जाएगी, क्या कर देगी, कंज्यूम कर देगी, डीकम्पोज कर देगी, मार देगी। और नेचुरल किलर सेल क्या होती है, ये ऐसी सेल है बच्चों जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है और ये अपने आप को खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब मैं मरूंगा तो अपने अंदर जो वायरस है, एंटीजन है, वो खुद भी मर जाएगा। तो इस तरीके की ये नेचुरल किलर सेल्स होती है बच्चों। तो ये कब दूसरा ऑप्शन है, अगर एंटीबॉडी किसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, एंटीजन को, तब ये ऑप्शन होता है कि क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे फेगोसाइट सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स को। तो यहाँ तक बच्चों जिसको भी समझ में आ गया, तो आप यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे बताइए जरूर कि सर हमें समझ में आ गया है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को आप जरूर लाइक करें, क्योंकि बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, इसलिए उस मेहनत में आपको और कुछ देना नहीं है, पर आप लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपको मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ बच्चों इसी के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं दो अलग टॉपिक, एक है बच्चों एपिटॉप, एक टॉपिक जिसके बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ अभी, वो क्या है बच्चों एपिटॉप, और सेकेंड टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बच्चों पेराटॉप। एक है बच्चों एपिटॉप, एक है बच्चों पेराटॉप, ये हम डिफ्रेंशिएशन करते हुए पढ़ रहे हैं बच्चों, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एपिटॉप क्या है, पहले हम लोग डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। द पार्ट ऑफ एंटीजन, मतलब एपिटॉप किसका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, ये एंटीजन का पार्ट है। द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, मतलब जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है, तो उसका वो पार्ट जिसको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है बच्चों, तो उस पार्ट को एपिटॉप कहते हैं। एंड विद विच एन एंटीबॉडी बाइंड्स इज नोन एज एपिटॉप, वो पार्ट जो हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर किया और उस पार्ट को हमारे इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज किया, और उस पार्ट के साथ में कौन आकर बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एंटीबॉडी जुड़ जाएगा। देखो बच्चों एपिटॉप कौन सा पार्ट हो गया, माना कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई ये इस तरीके का कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया और इसका ये वाला जो पार्ट है ये एपिटॉप है, तो हमारी जो सेल्स होगी, जो सेल्स है, जैसे कि हम लोगों ने कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स, वो क्या करेगी, इसको देख लिया, इसका माप ले लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ओके, और इसी तरीके की हमने क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। तो ये तो हो गया एपिटॉप, मतलब ये क्या बन चुका है, एपिटॉप, एपिटॉप पार्ट है। एपिटॉप पार्ट क्या होता है, एंटीजन का वो पार्ट है जो एंटीबॉडी से जाकर जुड़ेगा, यानी कि अब जो एंटीबॉडी बनेगी हमारी, वो एंटीबॉडी इसी के नाप की बनेगी, इस तरीके की, तो इसको कंप्लीट क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, इस तरीके, ये हो गया एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी से जुड़ने वाला एंटीजन का पार्ट, ओके, एंटीजन का वो पार्ट जो किसी एंटीबॉडी से क्या होगा, बाइंड होगा, जुड़ेगा, उस पार्ट को, एंटीजन के उस पार्ट को एपिटॉप कहते हैं। तो नॉर्मली किसी वायरस में ये जो पार्ट है एपिटॉप से, ये 100 और अबो भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बच्चों, 100 और 100 से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, एपिटॉप हो सकते हैं। तो एपिटॉप क्या है, द पार्ट ऑफ एंटीजन विच इज बाइंड विद एंटीबॉडी, ओके। फिर बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ये जो पार्ट है ये क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, मतलब पूरी एंटीबॉडी जो है ना वो पूरे एंटीजन से बाइंड नहीं होगी, इसी पार्ट से बाइंड होगी, और इस पार्ट से बाइंड होगी उससे उसको पूरे उस एंटीजन की क्या हो जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी। तो मतलब ये पार्ट क्या कर रहा है, पूरे एंटीजन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है कि ये एंटीजन है और मैं उसका क्या हूँ, रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरे नाप का आप क्या बना लो, एंटीबॉडी बना लो, मुझे कवर कर लो, एंटीबॉडी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस पार्ट को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है, ओके बच्चों। फिर बात करते हैं हम लोग, एपिटॉप इज मेड बाय 6 to 8 एमिनो एसिड्स, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, जो डीएनए आरएनए जो होते हैं बच्चों, वो एमिनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम हायर क्लासेस जब पढ़ेंगे, उसके अंदर बताएंगे हम एमिनो एसिड्स वगैरह क्या होते हैं, और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको एक बार और बता दूंगा एमिनो एसिड्स के बारे में। तो एपिटॉप जो पार्ट है कितना हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली, तो एपिटॉप जो पार्ट है वो एमिनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें एमिन समूह है और एसिडिक नेचर का होता है बच्चों। एमिन समूह क्या होता है, तो NH2 जो ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला होता है, वो एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, ये एमिनो एसिड से बना होता है, फिर मैं बताता हूँ आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है,
अब मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? तो आप लोग अगर याद करोगे तो हम लोग जब 9th क्लास पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग जब केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो हम एटम जब पढ़ते हैं तो हम एटॉमिक वेट याद करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना है, तो हम बोलते हैं 8 नंबर पे आता है और 16 इसका मास होता है। उसी तरीके से अगर हम O2 बोले तो वो एक मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया बच्चों? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि उसमें दो एटम आ गए। तो उस मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ओके बच्चों, तो O2 हो गया तो 16 + 16 32 हो गया। उसी तरीके से जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है उसका वेट जो है वो एक यूनिट में मेजर किया जाता है और वो यूनिट होती है बच्चों डाल्टन। कौन सी यूनिट होती है बच्चों? डाल्टन यूनिट होती है। अब वो डाल्टन क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन कितना होगा? 6000 डाल्टन मिनिमम, और इससे ज्यादा हो सकता है। 6000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट वाला एंटीजन हमारी बॉडी में क्या है, एंटर नहीं करेगा, इससे ज्यादा ही करेगा। ठीक है, फिर बोलते हैं डाल्टन क्या होता है। तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6610⁻²⁷ केजी। ये क्या होता है? इसका वेट का मेजरमेंट है और ये इसको आप केजी में भी इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ग्राम में भी करना चाहो तो कर सकते हो। ओके बच्चों, फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। पेराटॉप, अब हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चों? पेराटॉप, एपिटॉप के बाद में पेराटॉप। सबसे पहले एंटीजन, फिर एंटीबॉडी। एंटीजन के अंदर एपिटॉप, एंटीबॉडी के अंदर पेराटॉप। तो मतलब एपिटॉप क्या था? एंटीजन का पार्ट था जो एंटीबॉडी से जुड़ रहा था। तो पेराटॉप क्या हो जाएगा बच्चों? एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के एपिटॉप वाले पार्ट से जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो, द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद एंटीजन इज नोन एज पेराटॉप। मैंने अभी आपको बता दिया पूरे के पूरे एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, रिएक्शन इंटरेक्शन जो है वो खाली एपिटोप वाला पार्ट से होता है। तो मतलब एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एपिटोप, बहुत सारे एपिटोप है, उन सबको कवर करेगा और उनके साथ रिएक्ट करेगा, उस पार्ट को, एंटीबॉडी के उस पार्ट को क्या बोलेंगे? पेराटॉप बोलेंगे। तो बच्चों आज ये एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन। मतलब एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के, हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो उसको डिस्ट्रक्शन, उसको डिस्ट्रॉय करने की क्या क्या स्टेप्स होता है हमारी बॉडी के, इम्यून सिस्टम की, वो आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताइए, इस तरह मैं आंसर नहीं आ रहा, मैं इसका आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। और एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेगा आप इसका।